subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का आज के इस नए वीडियो क्रेश कोर्स का वीडियो नंबर 2 पे। इससे पहले आप लोग पता होगा क्रेश कोर्स 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आप लोग हिस्ट्री नहीं तैयारी किए, कुछ नहीं पढ़े हैं तो क्रेश कोर्स के वीडियो को देखकर आप बोर्ड एग्जाम में आसानी से 90+ मार्क्स ला सकते हैं। बस आपको शर्त यह है कि जितने भी क्रेश कोर्स के वीडियो होगा तो आप लोग को कम्प्लीटली देख लेना होगा। जैसे आपने बताया था इसका कंप्लीट PDF साथ में इसका नोट्स आप लोग चाहते हैं तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा, तो आप लोग कंप्लीट PDF इसका लेकर के रिवीजन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वीडियो में आपको समझा दूंगा और आप इसका PDF डाउनलोड करके आप लोग वहाँ से अपने से तैयारी कर सकते हैं। पूरा कंप्लीट आप लोग क्रेश कोर्स से देख लीजिएगा, फिर उसके बाद आप लोग बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे से लिख पाएंगे। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं आज के वीडियो में हम कौन से क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। सो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे जो केवल हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे और सब्जेक्ट क्वेश्चन का आपको PDF में मिल जाएगा, तो आप लोग PDF डाउनलोड वहाँ पे सभी जो सब्जेक्ट क्वेश्चन का रिवीजन अपने से कर लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही ऐसे लॉन्ग हो जाएगा वीडियो। सो आप लोग सब्जेक्ट क्वेश्चन अपने से हल कर लीजिएगा। सो चलिए आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका, देख पा रहे कि फुट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया। फुट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया। जैसे कि मैं आप लोग को बताता हूँ हमेशा कि मैंने जो इस क्वेश्चन को 3 कैटेगरी में बांट दिया था, अगले वीडियो में बताया था आप लोग को कि जिस क्वेश्चन के सामने आपको के का टिक मिलेगा ये काफ़ी मोस्ट वीआई क्वेश्चन है और जिसमें से आपको केवल सिंगल टिक मिलेगा, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम की दृष्टि से आ सकता है। बट जिसमें कोई टिक नहीं है तो वो आप इसको याद कर लीजिए, बट इतना इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन नहीं है, तो इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देख करके इस पॉइंट को देखने के बाद आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन पेपर इस तरह टिक लगा दिया हूँ तो आप लोग इसका PDF डाउनलोड करेंगे तो सभी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में इस तरह का टिक लगा हुआ है, तो आप लोग उसी हिसाब से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन यहाँ पे क्या करें, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, देख पा रहे फूड डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए अजात शत्रु, क्या हो जाएगा, अजात शत्रु। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कराए जो कि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देख पा रहे जीवक वैद्य किस वंश के काल में था। ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है, सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी हरियक वंश, क्या हो जाएगा, हरियक वंश। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, देख पा रहे होंगे अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई। ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है, अशोक, कनिष्क, रुद्रदमन और स्कंदगुप्त। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रुद्रदमन, क्या जाएगा, रुद्रदमन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख पा रहे होंगे, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख पाओगे पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम में की, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी नदी के संगम में पुनपुन, सोन और गंगा, इन तीनों नदी के संगम में क्या था, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हूनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को दिया जाता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्कंदगुप्त। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कराए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख पा रहे होंगे कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था, यूरोप का समुद्रगुप्त किसको कहा जाता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेपोलियन को कहा जाता है यूरोप का समुद्रगुप्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता था, किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है। सो यहाँ पे 4 ऑप्शन के सामने दिया हुआ है, तो आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, इन चारों में से राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी प्रभावती गुप्त, किसके अभिलेख में तो प्रभावती गुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख पा रहे होंगे 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला था, तो ये मिला था एरन में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, एरन जो कि सागर में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 करा जो कि मोस्ट वीआई क्वेश्चन, देख पा रहे किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय पता चलता है, यानी अशोक का कौन सा शिलालेख जो है जिससे कलिंग विजय के बारे में जानकारी मिलती है। सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 13वें शिलालेख, कौन सा हो जाएगा, 13वें शिलालेख, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का श्लाघ्य प्रयास किया। ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है, किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का सलाह किया। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, देख पा रहे होंगे ऑप्शन आप लोग सामने दिया हुआ 4। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी देवत्य रामकृष्ण भंडारक, क्या है, देवत्य रामकृष्ण भंडारक, इतना इंपोर्टेंट नहीं है बट आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, मौर्य काल का निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट यहाँ पे आप लोग देखिए क्या हो जाएगा 4 ऑप्शन में से। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी स्तंभ, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, देख पा रहे होंगे, इंडिका की रचना किसने की, इंडिका की रचना
किसने की, ऑप्शन ऑप्शन चार दिया हुआ है। सो ये भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, देख पा रहे हो यहाँ पे क्या क्या चिन्ह दिया हुआ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेगास्थनीज, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करा है, प्रयाग परिस्थिति की रचना किसने की थी, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सिंगल टिक लगा दिए। प्रयाग परिस्थिति की रचना किसने की, ऑप्शन ऑप्शन नंबर चार दिया हुआ है। सो किसने की, तो हरिसेन ने की थी, किसने की थी, हरिसेन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, देख पा रहे हो गुप्तों के काल में कौन चीन यात्री भारत आया था, गुप्त काल में कौन चीन यात्री भारत आया था। ऑप्शन देख पा रहे काफी मोस्ट, यहाँ पे देख पा रहे का चिन्ह दिया हुआ है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गुप्तों के काल में कौन चीन यात्री भारत आया था। सो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, फैजान आया था, कौन आया था, फैजान, ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कराए कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल जो है वो स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जानता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देख पाओगे। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है गुप्त काल, कौन सा काल, तो गुप्त काल हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख पाओगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अशोक किस वंश का शासक था, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देख पाओगे अशोक किस वंश का शासक था, तो अशोक जो था पता होगा आप सभी को, मौर्य वंश का शासक था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देख पा रहे होंगे, कैटिल की कृति है, कैटिल की कृति है क्या है इनमें से चारों से। सो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे देख पा रहे हो यहाँ पे। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अर्थशास्त्र, क्या जाएगा, अर्थशास्त्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कैसा क्या कह रहा है देख पा रहे होंगे, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था, मेगास्थनीज जो आया था भारत में किसके दरबार में आया था, ऑप्शन ऑप्शन में चार दिया हुआ है। सो क्या होगा राइट आंसर देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, नहीं चंद्रगुप्त मौर्य, किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य, इतना इंपोर्टेंट नहीं है, बट आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है समुद्रगुप्त की जानकारी होती है, समुद्रगुप्त की जानकारी होती है, इनमें से चार ऑप्शन है, क्या राइट आंसर होगा देख पा रहे होंगे ऑप्शन। सो इस क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं प्रयाग परिस्थिति, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी प्रयाग परिस्थिति। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, देख पा रहे होंगे ऑप्शन सामने दिया है, ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। सो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया आपके सामने, सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उदयन ने की थी, किसने की थी, तो उदयन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि नवरत्न किस शब्द के दरबार में आया था, नवरत्न किस शासक के दरबार में आया था, सॉरी नवरत्न किस शासक के दरबार में आया था। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देख पा रहे होंगे, जो कि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देख पा रहे होंगे कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, चार ऑप्शन के सामने दिया हुआ है, ए बी सी या फिर डी। सो इन चार में से क्या राइट आंसर होगा, राइट आंसर की बात करें राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उदयन ने की थी, किसने की थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उदयन। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है देख पा रहे, नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे, नवरत्न जो थे वो किस शासक के दरबार में रहते थे, ऑप्शन ऑप्शन में चार दिया हुआ है, अशोक, कनिष्क, समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ए बी सी या फिर डी, 22 का क्या होगा देख पा रहे होंगे। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है, जो कि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देख पा रहे होंगे कि अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार है, अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है सामने। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कालिदास, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 23 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देख पा रहे होंगे, प्रयाग परिस्थिति का संबंध किस गुप्त शासक से है, प्रयाग परिस्थिति का संबंध किस गुप्त शासक से है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, काफी इंपोर्टेंट नहीं है बट आप लोग देख लीजिए इसको। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी समुद्रगुप्त, किसके हो जाएगा, समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की थी, प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की, इंपोर्टेंट हो सकता है कुछ बट इतना इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग इसको याद रखिए, ये भी इंपोर्टेंट बना देते इसको। 25 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सामने चार दिया हुआ है। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अशोक, प्राचीन भारत में अशोक की प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की थी, तो अशोक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है देख पा रहे होंगे कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है। सो इस क्वेश्चन का क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अशोक को कहा था, किसको कहा था, अशोक को। क्वेश्चन नंबर 27 जो कि इंपोर्टेंट नहीं है, 28 भी इंपोर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है देख पा रहे होंगे कि मौर्य काल के टक्सोल का प्रधान कौन था, मौर्य काल के टक्सोल का प्रधान कौन था, ऑप्शन सामने चार दिया हुआ है। सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं लक्षणाध्यक्ष, क्या हो जाएगा, लक्षणाध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 30 कह रहा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख पाओगे, पतंजलि के महाभाष्य की सॉरी पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है, पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है, चार ऑप्शन सामने दिया हुआ है, मौर्य काल की, गुप्त काल की या फिर कुषाण काल की या फिर इनमें से सभी, तो 30 का क्या राइट आंसर होगा देख पाओगे, ऑप्शन सामने दिया हुआ है। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं मौर्य काल की, पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है, मौर्य काल की, ऑप्शन नंबर 30 का ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है देख पा रहे होंगे कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया,
धम्म महामात्रो को किसने नियुक्त किया था? ऑप्शन नंबर चार जो कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सो देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, नहीं अशोक ने किया था, किसने किया था? अशोक ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश की जानकारी में, मतलब किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सो देख पा रहे होंगे यहाँ पे चार ऑप्शन सामने दिया हुआ है, सो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं मौर्य वंश की। अर्थशास्त्र और इंडिका से जो जानकारी मिलती है, अर्थशास्त्र जो कि कैटली द्वारा लिखा गया और इंडिका जो कि मैगसिन द्वारा, इन दोनों किताब से जो जानकारी मिलती है वो मौर्य वंश की जानकारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देख पा रहे होंगे कि एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्माण करवाया था? एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्माण करवाया था? जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रकर, किसने? राष्ट्रकर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 देख पा रहे हैं आप लोग कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? यहाँ पर चार ऑप्शन सामने दिया हुआ है, आसान सा क्वेश्चन है जो कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि 16 महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। सो इस क्वेश्चन आंसर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मगध था। कौन था? मगध। तो यहाँ पे 34 क्वेश्चन तो इस हम लोग क्रेश कोर्स में कंप्लीट कर चुके हैं, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन, इसका सब्जेक्ट क्वेश्चन आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के सहायता से आप लोग इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोग कुछ सब्जेक्ट क्वेश्चन इसी तरह मैं टिक कर दिया हूँ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें के का टिक लगाया हुआ, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें सिंगल टिक है, और जो इंपॉर्टेंट नहीं तो वैसे ही लगा हुआ। तो आप लोग उन सब्जेक्ट का प्रैक्टिस कर लीजिए अपने से, इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, और आपके इन स्क्रीन में जो भी वीडियो आप लोग इस वीडियो को देख लें काफ़ी आप लोग हेल्प होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं हम लोग तब तक के लिए अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।